नमस्कार हजारी टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। यूट्यूब पर जाकर हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा। आइए डालते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आशा करते हैं कि आप घरों पर अच्छी तरह से होंगे। इस खबर की शुरुआत सबसे पहले आज हम करेंगे योनी हत्याकांड की। योनी में जो युवक की बेरहमी से विगत दिवस जो हत्या हुई थी और पुलिस ने महज 24 घंटे के अंदर पूरा कला पुलिस ने हत्यारों को सलाखों के पीछे भेज दिया। पूरा कला पुलिस ने हत्यारों को बता दे महज 24 घंटे में दबोच लिया। योनी हत्याकांड में जिस तरह विगत दिवस पहले हत्या हुई थी, बेरहमी से कत्ल कर दिया था युवक को। अब उस हत्या का अगर कारण सुनिएगा, ये पूरी कहानी, इस पूरी हत्या को हम एक कहानी के रूप में सुनाते हैं कि एक किस कहानी में कितने किरदार हैं, एक कितने किरदार हैं, कितने विलियन हैं और किस तरह से कौन विलियन बना और इसमें महिला का रोल क्या रहा, ये पूरी कहानी, पूरी हत्याकांड, पूरा एक कहानी के रूप में परत दर परत हम आपको सुनाएंगे। इस कहानी की एक एक परत हम आपको उजागर करेंगे कि कहानी में कहां कहां क्या क्या हुआ। शुरुआत करते रघुराज पुत्र पंचम सिंह की, जिसकी हत्या हुई। तो रघुराज, हम बता दे, जिला वदर था, फिर उसके बाद भी योनी में रह रहा था। राजकुमारी पत्नी देशराज हैरवार, जी हाँ, राजकुमारी कहीं ना कहीं इस पूरी कहानी में, इस हत्याकांड में कहीं ना कहीं पूरी सुई राजकुमारी के चारों तरफ भी घूमती नजर आ रही है। क्योंकि हम बता दें, जो आप जिसकी हत्या हुई, ऐसी बात सामने आ रही है, ऐसा निकल के सामने आ रहा है कि रघुराज के राजकुमारी से अवैध संबंध थे। तो वही जिन्होंने हत्या की, बंटी व पुष्पेंद्र की बात करें, तो इन दोनों ने हत्या की वजह का जब कारण निकल के आया तो राजकुमारी से अवैध संबंध थे और ये कहीं ना कहीं जो हत्यारे थे, ये कहीं ना कहीं राजकुमारी के प्रेमी थे। बताइए, शादी शुदा महिला जो कि उसका एक से अवैध संबंध तो दूसरे उनके प्रेमी, और पूरी हत्याकांड चारों तरफ गोलझा हुआ नजर आ रहा है। इस कहानी का जो फुल स्टॉप लगा, इस पूरे हत्याकांड की जब पर्दा उठा, तो कहीं ना कहीं ये तथ्य निकल के सामने आए कि रघुराज जिसकी हत्या हुई उसके संबंध राजकुमारी से थे, जिन्होंने मारा बंटी व पुष्पेंद्र कहीं ना कहीं राजकुमारी से प्रेम करते थे, राजकुमारी शादीशुदा थी। तो हालांकि अब इस कहानी को हम पूरी तरह से आपको सुनाते हैं सिलसिलेवार कि पुष्पेंद्र, बंटी व रघुराज, और रघुराज विगत दिवस हम बता दें जो हत्या का मामला सामने आया था यवनी में, उन्होंने माता मंदिर के पास पहले शराब पी, हालांकि हत्या का रघुराज की हत्या का मन बना चुके थे। फिर राम सिंह के बारे में बंटी रघुराज को ले गया, वहां पर सीधा लिटाया, और हम बता दें कि पुष्पेंद्र ने रघुराज के पैर पकड़े तो भाई बंटी ने सिर पर बेरहमी से पत्थर मार दिया, बेरहमी से पत्थर से सिर को चल दिया। मतलब कि हत्या में किसी तरह रघुराज बच ना जाए, ऐसी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, इतनी बेरहमी से हत्या की कि जिसको देखकर अगर आप बॉडी को देखते तो आपका शायद दिल दहल जाता, आपके रोंग खड़े हो जाते। इन हैवानों की हैवानियत दिखा रहे हैं हम आपको, इनके में इंसानियत शायद उस वक्त खत्म हो चुकी थी। इन हैवानों ने, इन भेड़ियों ने जिस तरह से जो हत्या की, हालांकि पुलिस ने पूरे मामले को सक्रियता से लेते हुए इनकी जो असली जगह है उन्हें 24 घंटे के अंदर दोनों को पकड़ लिया और जहां इनकी असली जगह है सलाखों के पीछे भेजा। पर हम बता दें, इस कहानी में पूरा एक नया किरदार और सामने उभर के आ रहा है, राजकुमारी का किरदार। एक पुष्पेंद्र सिंह है, एक बंटी है और एक महिला, इनका नाम भी इसमें प्रकाश में आया है। इनकी गिरफ्तारी हम लोगों ने की है और इसके बाद अग्रिम विधिक कार्रवाई पुलिस कर रही है। एक महिला का किरदार होने से इनकार नहीं किया जा सकता और ये महिला कहीं ना कहीं इस हत्याकांड की एक कड़ी भी रही और इस पर पुलिस पूरी जांच कर रही है। क्योंकि हम बता दें, पूरे पूरे मामले को हमने बताया है आपको जिस तरह से, और हम एक बार फिर बताते हैं इस पूरी कहानी का जो सार है, इस पूरी कहानी का जो टेलर है, वो आप फिर से पूरी कहानी का टेलर फिर से सुन लीजिए कि राजकुमारी जो कि शादीशुदा है, रघुराज जिसकी मौत हुई, जिसको मारा गया, जिसकी हत्या हुई, उससे अवैध संबंध रघुराज के राजकुमारी से, वही जिन्होंने मारा उनकी वह प्रेमिका, वह अपने आप उनकी प्रेमिका थी, ऐसा माना जा रहा है, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। इसी चलते पूरा चक्रव्यूह हुआ
और इसका जो फुल स्टॉप लगा, ये जो कहानी का अंत हुआ, उसमें रघुराज की हत्या पर जाकर ये कहानी खत्म।